Hello friends, welcome to EduTricks with Renu. Today I am here with a very interesting topic that is magic square. Friends, कल मैंने आपको 3x3 and 5x5 के magic square की grid solve करना बताया था कुछ rules के साथ, right? आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 7x7 की magic square grid कैसे solve करते हैं, okay? तो ध्यान से देखिएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पे देखिए आपके लिए बना के ये 7x7 की ग्रिड बनाई हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपको देखना ये है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस आएगा, माइनर डिफरेंस ये है, रूल नंबर 1 जो मैंने आपको बताया था कि सारे रोज एंड कॉलम्स का सम इक्वल होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पर कोई नंबर है, सपोज़ यहाँ पर 185, 175 या जो भी नंबर यहाँ पर आया है, वही आपका सारे ग्रिड्स का एडिशन, सारे रोज एंड कॉलम्स का सबका एडिशन सेम होना चाहिए, वही आना चाहिए, ठीक है। सेकंड रूल आपका था कि इन सब का जो एडिशन आ रहा है वो मिडिल नंबर का ग्रिड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सपोज़ हमारी 5x5 की ग्रिड थी तो मिडिल नंबर का 5 टाइम था उसमें, है ना। तो ये 7 की ग्रेड है तो मिडिल नंबर का 7 टाइम्स होगा वो नंबर। फिर थर्ड था कि अगर हमने मिडिल बॉक्स से, मिडिल रो के फर्स्ट बॉक्स से स्टार्ट किया है तो मिडिल रो के लास्ट बॉक्स पर ही हमारा लास्ट नंबर आना चाहिए, ठीक है। ये हमारे थे कुछ रूल्स जो हमने लास्ट वीडियो में भी सीख लिए थे, ठीक है। ये मैंने आपको एक बार फिर से याद दिला दिए हैं इसमें कि कैसे हमने सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हमने इसको 7x7 की ग्रिड को सॉल्व करना है। ओके, वॉच इट केयरफुली। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। अगर हम यहाँ पर रख लेते हैं, देखिए हम मैं 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ पर मिडिल नंबर से 1। अब स्लैंटिंग एरो, इसका मतलब है ऊपर वाला बॉक्स, लेकिन ऊपर कोई बॉक्स नहीं है, इट मीन्स अब हम नीचे चेक करेंगे कि हमारे पास बॉक्स अवेलेबल है या नहीं। तो नीचे चेक करने का मतलब है यहाँ पर लास्ट बॉक्स में आएगा हमारा नेक्स्ट नंबर। तो यहाँ पर 2 आ गया, देन 3, 4, फिर से एक स्लेंटिंग एरो, यहाँ पे कोई बॉक्स अवेलेबल नहीं है और नीचे भी यहाँ कोई बॉक्स अवेलेबल नहीं है, तो वी विल मूव टूवर्ड्स लेफ्ट। अब लेफ्ट में भी बिल्कुल एंड में हम जाएंगे, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5, ठीक है, 5 आ गया है, देन 6, 7। अब यहाँ पे ब्लॉक अवेलेबल नहीं है, ऑलरेडी फिल्ड है ये, तो इमीडिएट नेक्स्ट नंबर जो है, इमीडिएट नीचे वाला बॉक्स आप ले लेंगे नेक्स्ट नंबर के लिए, 8, 9, 10। अब 10 के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम नीचे चेक करते हैं, तो नीचे हमारे पास बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे हमारा 11, 12। अब यहाँ पर कोई बॉक्स अवेलेबल नहीं है, नीचे भी कोई नहीं है, तो लेफ्ट में जाएंगे। अब आ जाएंगे हम इधर 13, 14, देन 15, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक अवेलेबल नहीं है, तो नीचे आ जाएंगे, देन 16, 17, 18, 19। अब 19 आ गया। अब यहाँ पर हम ये चेक करते हैं फिर से कि ऊपर तो ब्लॉक है ही नहीं, बॉक्स भी नहीं है ऊपर, अब बिल्कुल नीचे, तो 19 के बाद हमारा यहाँ पर आ जाता है 20। इधर कोई बॉक्स अवेलेबल नहीं है, नीचे भी नहीं है, तो लेफ्ट में चलिए, यहाँ पर 21। फिर यहाँ पर ब्लॉक अवेलेबल नहीं है, बॉक्स नहीं है अवेलेबल, 22, इसके नीचे आ जाएगा, देन 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक हम यहाँ पर आ गए। अब ना नीचे कोई बॉक्स अवेलेबल है, ना लेफ्ट में है, क्योंकि यहाँ पर कोई बॉक्सेस हैं ही नहीं, राइट, तो इसके नीचे आ जाएगा 29। अब फिर नीचे नहीं है तो लेफ्ट में देखते हैं, लेफ्ट में आ जाएगा एंड में, तो 30 इधर आया हमारा। उसके बाद नीचे देखेंगे तो लास्ट में 31, 32,
33, 34, 35, फिर यहाँ पर बॉक्स अवेलेबल नहीं है तो 36 यहाँ आ गया, 37, नीचे नहीं है बॉक्स अवेलेबल, लेफ्ट में जाइए, ठीक है, 38, 39, फिर यहाँ पर नीचे जाएंगे हम, ये हो गया हमारा 40, 41, 42, देन नहीं है बॉक्स अवेलेबल 43, 44, 45, अब फिर से इधर कोई बॉक्स अवेलेबल नहीं है, नीचे भी नहीं, तो लेफ्ट में 46, 47, 48 एंड अब लास्ट में बिल्कुल 49। तो आपने देखा कि कैसे हमने 7x7 की ग्रिड स्टेप बाय स्टेप अच्छे से फिल कर ली है ना। तो अब चलिए इसको चेक करते हैं कि क्या हमने ये बिल्कुल सही से फिल की है या हमने इसमें कोई प्रॉब्लम की या कोई गलत फिल कर दिया है नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था कि सारे रोज एंड कॉलम्स का सम सेम आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे रोज एंड कॉलम्स का सम आएगा 175, मैं इसको पहले भी कर चुकी हूँ, आप ऐड करके देखिए आपका भी 175 ही आएगा। सबका सम, कोई भी रो एंड कॉलम आप उठा के देख लीजिए, मेरा 175 आ रहा है यहाँ पर, आप भी ऐड करके देखिए आपका भी 175 ही आएगा, ओके। बात समझ में आई, कोई भी उठा लीजिए आप इसमें से, ऐसे ऐसे डायगनली सब में 175 ही आपका आने वाला है, फाइन। ऐसे भी आएंगे आप ऐड करके तो भी आपका 175 ही आएगा। उसके बाद हमने बात की थी कि हमारा जो मिडिल नंबर है, मिडिल नंबर का ग्रिड के अकॉर्डिंग नंबर आता है हमारा ये वाला, है ना। तो मिडिल नंबर यहाँ पर हमारे पास है 25, और क्योंकि ये 7x7 की ग्रिड है तो हम 25 इंटू 7 करते हैं तो 175 आता है, राइट। तो सेकंड रूल भी हमारा यहाँ पर फॉलो हो गया। अब थर्ड रूल, मैंने आपको ये बताया था कि जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जिस कॉलम से हम स्टार्ट करते हैं, उसी कॉलम में लास्ट में, उसी रो में लास्ट में, अगर स्टार्टिंग से 1 यहाँ इससे स्टार्ट हो रहा है तो इसी रो या इसी कॉलम में हमारा एंडिंग नंबर भी आएगा, है ना। तो हमारा एंडिंग नंबर भी यहीं पर आ रहा है तो ये भी फॉलो हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आ गया है मैजिक स्क्वायर 7x7 हमने कैसे सॉल्व करना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। नहीं समझ में आया है, आपको कोई और वीडियो चाहिए कि एक और वीडियो बनाकर हमें समझाइए, तो मैं एक और वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, ठीक है। जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियोस और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, ओके। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, कमेंट ऑन माय चैनल, ओके। एंड ओके, बाय बाय।